नमस्ते, मुँ पुष्पाजलि विश्वी लक्ष्मीनर्स साई चौद नंबर गड़स्थित श्री बेकानंद विद्या मंदिर आचार्य आज मोर यह कालांशटी अष्टम श्रेणीर शिशु भाई भौणी लगे उद्दिष्ट आज कालांश में आम लेखक श्री उदयनाथ षडंगी रचित रोगी सेवा गद्य विषय पढ़वा पाने आम पूर्व कालांशे तो पढ़ी जे लेखक उदयनाथ षडंगी किभली बापा सेवा करते शेष समय बापा शेष समय पाखे जगि रही राति दिन सेवा कर बापा को सेवा करते जिते से ग्रहणी झाड़े पीड़ित होते तथा तो से निर्विकार चित्तर पिता सेवा करपरिकी बापा मृत्युर पिता 72 वर्ष बयस मृत्युवरण करते पिता मृत्यु पर पिता मृत्युर 5 वर्ष पर से मातृहरा होते आम बर्तमान माता सेवा कार्य से किभरी माता सेवा करते से विषय पढ़ा पिता मृत्युर 5 वर्ष पर जिते माँ को शेष समय आसी उपनीत लेखक उदयनाथ षडंगी से कटक दत्त प्रेस चाकरी कर एवं से समय से कौन करते ना 2-3 मास गाँव को जाते जो थर गाँव को जाते 2-4 दिन रही फेरी आसते कहीं काम बहुत चाप थाए दिने कौन मसक आगे से गाँव रू फेरी था कि बहुत मन पड़ा गाँव को जीपाई तेणु से कौन कले मालिक को खोई छुट्टी मागिले जेहेतु से समय पाठ्यपुस्तक छपा चली थाए तेणु प्रेस प्रबल चाप थाए मालिक को अति अनुनय कर अति अनुरोध कर से कौन कले दिनक छुट्टी मांगे एवं दीटा बस रे दीटारे बस गले 5टा घरे पहुँचले घरे पहुँच देखिले जे बो दुआरे शुचन एवं जाना को पाइले जे 2टा समय जिते से बस रे बसुले बो बाड़ी दुआरे पड़ जा तो एथिरु अनुमान करनीय जे से किभली माँ किभली मन पकड़े एवं माँ को से स्मरण ही मनरे आकुलता सृष्टि कला गाँव को फेरी जावाप गाँव को जाए देखिले जे बोहू देह 103 डिग्री पर्यंत ज्वर तो से कौन कले ना डाक्तर को देखा आने ज्वर मुंडे पा फुट दिए सेवा शुश्रूषा कले डाक्तर को देखे रात बेलू बो सामान्य सुस्थ अनुभव कले एवं से कौन कले ना जिते माता बोहू को डाक बो मान डाक कहले मो पु केत आसला खावाक दि बोर यह पदीय कथु से बुझीपारे जे एथर बो देह सुस्थ हो आसला पाने आज आम परवर्त पर्याय को जी हाथ हल्ले से दिन राति को से संज्ञाहीन हो गले डाक्तर आसी औषधर व्यवस्था कले मात्र फल विशेष किसी है दिनक टिके प्रकृतिस्थ हो आखि पिटाई चाहिए देखिले मुखे बस पिठी आँची देदिन कौन कले ना ताती टिके कमिजार से कौन कले ना पुहता बो मान डाक पुह खाइवा बराद करते लेखक टिके आश्वस्ति अनुभव करते कि खावाक इच्छा ना सुधा माँ को जीत माँ को कथा भांगी न पारे माँ को शज्जा पाखे बसिकी खाइल राति को पुणी थे माँ सज्ञाहीन हो गले डाक्टर आसी औषधर सीना व्यवस्था कले मात्र फल विशेष किसी हो ना दिनक अर्थात पर दिन से टे साम आखि पिटे देखिले जे लेखक पाखे बस पिठी अंशे दे हाथ हल पाख को डाकिले लेखक कौन कले ना मुह पाख को घुंची आसिले मुंडे हाथ बुलाओ बुलाओ कांदी पकाए खने खने कहले मो धन को किए आणलाटी अर्थ शेष समय से पु को पाखे पाइबा को खूब आशा प्रकाश करते तेणु जिते से देखिले चेतना टिके फेरी आसे से कौन कले हाथ हल्ले जिते देखिले सान पु बा लेखक जिते पाखे बस कौन कले ना हाथ हल्ले पाख को डाकिले लेखक कौन कले मुह पाख घुंची बसिले मुंडे एमती हाथ बुलाऊ बुलाऊ कौन कले ना कांदी पकेले एवं
ଅନେକ 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 ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକା ପାଟି ଲାଗୁଥିବ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ଠିକ୍ ସେ କହିଲେ ମୋ ଧନକୁ କିଏ ଆଣିଲାଟି। ରାତିକୁ ବେଶ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ, ଡାକ୍ତର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଔଷଧ କାଟୁ କରିଛି ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଗଲା। ମୋ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବରାଦ କଲା। ମନେ କଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଣି ସତ ହେବ। ତା ପରଦିନ ଲେଖକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଟିକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ ଖୁସି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ବରାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସେ ମନେ କଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ସତ ହେବ। ଏଣେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଦିନକ ପାଇଁ କହି ଆସିକି ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଉକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ଆଜି କଟକ ଯାଉଛି, 10-15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ସେ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ଯେ ବୋଉ ଆଜି ମୁଁ କଟକ ଯାଉଛି, 10-15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିବି। ଆଉ ଥରେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ବାବାଟା ପରା ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 2ଟା ଦିନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଉଙ୍କୁ ମେଲାଣି ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ବାବାଟା ପରା ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 2ଟା ଦିନ ରହିଛି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲେ, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁବନ କାହା ମୁଖ ନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଅର୍ଥ ଖନେ ଖନେ ଗାଇଲେ। ଅର୍ଥ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ନ ହେଉ। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଖରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏତକ ପଢ଼ିଥିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ